भूतनाथ, ये श्रृंखला, ये सीरियल जो आप देखने जा रहे हैं, अमर रचनाकार बाबू देविकानंदन खत्री को उपन्यास भूतनाथ पर आधारित है। शक्ति के उपासक, घने जंगलों, पहाड़ियों और प्राचीन खंडरों से गहरा लगाव रखने वाले बाबूजी की कल्पना का भूतनाथ एक चौकन्ना, चुस्त और खूंखार तैयार है। इस सीरियल को देखने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि अय्यार किसे कहते हैं, क्योंकि इस उपन्यास का ताना बाना अय्यारों के कर्तव्यों, राज दरबारों और तिलस्मों के इर्द गिर्द बुना गया है। सरल भाषा में आप एक अय्यार को चालाक या धूर्त जासूस कह सकते हैं, लेकिन बाबूजी के अय्यारों की अपनी कुछ खासियतें हैं। मसलन, एक होशियार अय्यार अपनी शक्ल दूसरे इंसान की शक्ल जैसे बदल सकता है, क्योंकि भेष बदलने में वो माहिर होता है। हाँ, शक्ल असली है या नकली, यह पानी से धोकर ही पता लगाया जा सकता है, क्योंकि पानी से चेहरे का नकली रंग उतर जाता है। इसके अलावा ये तरह तरह की दवाइयों और लखलखों के बारे में भी जानते हैं। हथियार चलाना, संगीत विद्या और बड़ी तेजी से दौड़ना भी इनकी खासियत है। इन्हीं खासियतों की वजह से ये उपन्यास काफ़ी पेचीदा और रसमय बनता जाता है। हो सकता है कहीं आपको एक ही इंसान एक ही समय दो जगह दिखाई दे, तो आपको सोचना पड़ेगा कौन असली है और कौन नकली। इसलिए इस सीरियल की हर कड़ी ध्यान से देखिए, कोई कड़ी छूट न जाए, और ये पहली समझने की कोशिश कीजिए। अगर बहुत उलझ जाए या मामला पेचीदा हो जाए तो मैं हाजिर हो जाऊंगा आपको समझाने के लिए। अब देखिए भूतनाथ। मैं हूं अय्यार भूतनाथ, दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन। वैसे तो मेरे पिता ने मेरा नाम गदादर सिंह रखा था, और बहुत दिनों तक मैं इसी नाम से मशहूर भी था, पर बुरा वक्त आने पर मैंने अपना नाम बदलकर भूतनाथ रख लिया, और यही नाम आजकल बहुत मशहूर हो रहा है। अपने मालिक महाराज सुरेंद्र सिंह की आज्ञा अनुसार मैं आपको अपनी जीवनी सुनाना चाहता हूं, ताकि ऐबों और भयानक घटनाओं से भरी मेरी जीवनी से लोगों को नसीहत हो। जेठ का महीना और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का दिन, रात के वक्त एक बीहड़ जंगल में प्रभाकर सिंह और उनकी पत्नी इंदुमती परेशान और बदहवास घूम रहे हैं। निकल आए हैं। हाँ, अब हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, पर हम दोनों के मरे हुए घोड़े अगर कोई जान पहचान का आदमी देख लेगा तो हमें यहीं पर खोजेगा। फिक्र करने की कोई बात नहीं इंदे, उन मरे हुए घोड़ों को भी हम लोग कम से कम दो कुछ पीछे ही छोड़ आए हैं। खैर, अब हमें किस तरफ जाना होगा? हमारे ख्याल से अब हमें राजा सुरेंद्र सिंह के नौगढ़ राज्य की सरहद में पहुंच जाना चाहिए। वहां पहुंचने पर हमें किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी का खून करके नहीं भागे हैं, और ना ही किसी की चोरी की है, बल्कि एक अन्यायी हाकिम से अपना धर्म बचाने के लिए भागे हैं। सुना है कि वे बड़े ही न्यायप्रिय राजा हैं, और उनके राज्य में पहुंचते ही हमारा कल्याण हो जाएगा। तो फिर जल्दी चलिए ना, जहां इतनी तकलीफ सही थोड़ी और सही। तुम्हारा कहना ठीक है इंदे, पर रात का समय है और आगे का जंगल बहुत ही घना और भयानक लगता है। हो सकता है इस अंधेरे में हम लोग रास्ता भूलकर किसी और ही राह पर निकल जाएं। अगर हम अकेले होते तो और बात थी, मगर तुम हमारे साथ हो और ऐसे में घोड़ों की
टापू की आवाज? हाँ। लगता है दुश्मन को हमारा पता चल गया है। यहाँ आकर तुम्हें देख लेना ठीक ना होगा। हम आगे जाकर देखते हैं कि कौन है। तुम यहीं रुको। अच्छा। अच्छा हुआ आप खुद हमारे सामने चले आए। कल से हम लोग आपकी तलाश में भटक रहे हैं। महाराज शिवदत्त के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। क्षमा कीजिए, आप हमारे हाकिम रह चुके हैं, इसीलिए हम लोग आपके साथ कोई बेअदबी नहीं करना चाहते। मगर क्या करें, फर्ज के आगे मजबूर हैं। जिनका नमक खाते हैं उनका हुक्म कैसे टाल सकते हैं। ये बात हम खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आप बेकसूर हैं और आप पर यूं ही जुल्म किया जा रहा है, लेकिन यही ना कि एक नेक और ईमानदार आदमी होने के बावजूद तुम अपने मालिक से नमक हरामी नहीं कर सकते। तो ठीक है गुलाब सिंह, तुम अपना धर्म निभाओ और हम अपना। मैं समझा नहीं। एक क्षत्रिय होने के नाते जीते जी हम अपनी गिरफ्तारी नहीं दे सकते। चलो उठाओ तलवार, तलवार उठाओ गुलाब सिंह। रुक क्यों गए गुलाब सिंह? चलाओ तलवार और अपने मालिक के नमक का हक अदा करो। नहीं नहीं, मेरा हाथ आपके ऊपर कभी नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। मुझे अपने जालिम मालिक की तरफ से मिली हर बड़ी से बड़ी सजा कबूल है, पर आप जैसे बहादुर और धर्मात्मा के सामने शर्मिंदा होना मंजूर नहीं। क्यों भाइयों? बेशक ऐसा ही है। गुलाब सिंह, तुम जैसे नेक और बहादुर आदमी का साथ बड़े भाग्य से मिलता है। तुम्हारे मालिक ने बहुत बड़ा धोखा खाया कि हमारी गिरफ्तारी के लिए तुम्हें भेजा। इतने सालों तक साथ रहने पर भी उन्होंने तुम्हें और हमें नहीं पहचाना, और आज मुसीबत के फंदे में फंस जाने के बाद हम इस काबिल भी न रहे कि तुम जैसे बहादुरों के साथ भी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं इस मुसीबत के समय आपका साथ हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे अकेले क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? बहन इंदुमती कहाँ है? हम अकेले नहीं हैं, इंदे भी हमारे साथ है। तुम लोगों को दूर से आता देखा तो हम उसे उस पहाड़ी पे अकेले छोड़ के नीचे उतर आए हैं। इस आफत में भी वो तुम्हें बराबर याद करती रही है गुलाब सिंह। तुम चलो हमारे साथ, तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होंगी। अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? तुम लोग इसी समय यहाँ से कूच कर जाओ और इनके मकान में, जिसे राजा साहब ने जब्त कर लिया है, रात के वक्त किसी तरह घुसकर जितनी दौलत हाथ लगे उठा लो और पिपलिया घाटी पहुंचकर हमारा इंतजार करो। जाओ। जो आज्ञा। चलो चलिए।
इंदे, इंदे, देखो तो कौन आया है। आप, मैं कहती थी ना कि गुलाब सिंह को जरूर हमारे बारे में चिंता होगी और वो जरूर हमें खोजने आएंगे। बेशक, इसीलिए जब राजा साहब ने आप लोगों की गिरफ्तारी का काम मुझे सौंपा तो मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ कि अब मैं बिना किसी डर के आप लोगों को खोज निकालूंगा। और यहाँ तक भागने पर भी हम लोगों का खतरा नहीं टला, इसीलिए मैं कह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके हमें नौगढ़ के शरण में पहुंच जाना चाहिए। तुम घबराओ मत इंदे, हम दोनों वीर क्षत्रियों के रहते हुए किसी की मजाल की तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा सके। मैं जान गया ये कौन है। कौन है? ये मेरे दोस्त की बजाई हुई सीटी है। असल में मैं आपको उन्हीं के ठिकाने पर ले जाने वाला था, ये तो अच्छा हुआ कि वो खुद यहाँ पहुंचे। लेकिन ये यहाँ अचानक, लगता है मेरा यहाँ आना उन्हें मालूम हो चुका है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपके लिए मददगार साबित होंगे। गुलाब सिंह, अपने इस दोस्त का नाम नहीं बताओगे? इनका असली नाम तो कुछ और है, पर आजकल ये भूतनाथ के नाम से मशहूर है। भूतनाथ? ये नाम तो काफी सुना सुना ऐसा लगता है। और ये भी सुना है कि इस नाम का आदमी बड़ा ही खतरनाक है, जिसका रहन सहन, अता पता सभी कुछ रहस्यमय है। ठीक है, आपने ऐसा ही सुना होगा, पर ये केवल दुष्टों और पापियों के लिए ही खतरनाक है। गुलाब सिंह, भूतनाथ खूब मिले। कैसे हो मेरे दोस्त भूतनाथ? भूतनाथ, ये है मेरे दोस्त और हाकिम प्रभाकर सिंह। राम राम। राम और ये है इनकी पत्नी इंदुमती। राम राम। राम राम। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि तुम अचानक यहाँ कैसे आ पहुंचे, ये तो बड़ा अचंभा है। अचंभा कैसा दोस्त, यही तो मेरा ठिकाना है। तुम्हारा आना तो मुझे पहले ही मालूम हो चुका था, बल्कि एक और खास खबर पता चली है। अच्छा, कैसी खबर? यही कि अभी तक दुश्मनों से आपका पीछा नहीं छूटा, क्योंकि इनको आपके पीछे भेजने के बाद आपके राजा शिवदत्त ने और भी बहुत से लोग आपको पकड़ने के लिए भेजे हैं, जो इस वक्त यहाँ चारों ओर फैले हुए हैं। आप तो इस तरह बयान कर रहे हैं जैसे कोई जादूगर आईने के अंदर जमाने भर की हालत देखकर सभा में बयान कर रहा हो। यही तो इनमें एक अनूठी बात है जिससे बड़े बड़े नामी अय्यार दंग रहा करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैं प्रभाकर सिंह और इंदुमती को आपके सुपुर्द करता हूँ, जिससे इनका कल्याण हो सो कीजिए। तुम बेफिक्र रहो गुलाब सिंह, तुम्हारे दोस्त मुझे जान से भी ज्यादा प्यारे रहेंगे। इस वक्त इस जगह से जल्द निकल भागने में ही हम सबका फायदा है। आइए, चलिए, आइए, चलेंगे। मेरे ठिकाने पर पहुंचने के लिए ये मुख्य सुरंग है, आइए। मैं तो अंधेरे में भी देख सकता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए रोशनी किए देता हूं।
आइए। इस चौमुहानी के चार रास्ते चार दिशाओं में जाते हैं। मेरी घाटी में जाने वाले को इस दाहिनी तरफ की सुरंग में घुसना होगा। अगर वो सामने या बाईं तरफ की सुरंग में जाएगा तो वो किसी हालत में जिंदा नहीं बच सकता। आफत में तुम फंसने जा रहे हो, मैं उसे छुटकारा पाने की तदबीर बताना चाहती हूं। आओ। हमारा हित चाहने वाली आखिर तुम हो कौन? सच्चे हितैषी कभी अपने को जाहिर नहीं करते। भूतनाथ ने जरूर तुमसे कहा होगा कि चौमुहानी से उसके घर का रास्ता छोड़कर बाकी दोनों तरफ जाना खतरनाक है। हाँ, कहा तो था, लेकिन आप। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि भूतनाथ खुद भी अव्वल नंबर का झूठा और चालाक आदमी है। वो कभी किसी का भला नहीं चाह सकता। इस बात का क्या सबूत? इधर आइए, अभी दे देती हूँ सुबह। आइए ना, अब चलिए भी। हम जैसी कमसिन औरतों से भला आप जैसे क्षत्रिय को क्या डर? तो ठीक है, चलिए। रोशनी कैसे बंद हो गई? सुनो तो, कहां जा रही हो तुम लोग? देखो, तुम्हारी बात पर विश्वास करके हम तुम्हारे साथ यहां तक चले आए। अब रोशनी करो तो हम तुम्हारे साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। कोई जवाब क्यों नहीं देता? देखो, हम कह देते हैं कि हम वाकई पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ठीक है, ये क्या? अरे अभी अभी तो हम इधर से आए थे, ये दीवार कहां से आ गई? क्या रास्ता बंद हो गया है? मतलब अब हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां इंदे को भूतनाथ ले गया है।
वो ये औरतें इस तरह दगा करेंगी, ये तो कभी सपने में भी गुमान नहीं किया था। अब क्या किया जाए? अगर हम यहां से सीधे चले तो शायद रास्ता मिल जाएगा। हाँ, कोशिश करके देखते हैं। वो कितना अंधेरा है। अरे ये कहाँ रह गए? मेरे पीछे पीछे ही तो थे। तुम यहीं रुको, मैं सुरंग में जाके प्रभाकर सिंह का पता लगाता हूं।